धनतेरस के दिन लोग लक्ष्मी पूजन कर रहे थे, तभी एक परिवार ने अपनी बहू को खो दिया। खंडवा में भेड़ चराने आए परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब उनकी बहू पानी भरने के लिए कुएं पर गई और वापस नहीं लौटी। बाल्टी को रस्सी से बांध कर कुएं में फेंका और पानी भराने पर खींचने लगी तो पैर फिसल गया। पति, ससुर और परिवार के दूसरे लोग उस समय भेड़ चरा रहे थे, दौड़ कर आते तब तक महिला की डूब कर जान जा चुकी थी। एसआई राम प्रकाश यादव ने बताया, मृतका 20 वर्षीय चंदाबाई पति रघु धनगर बुरहानपुर के लालबाग स्थित भोलाना की निवासी है। पूरा परिवार भेड़ चराने का काम करता है। कुछ दिनों से खंडवा के थाना पंधाना अंतर्गत गांव बिलूद में भगवान सिंह के खेत पर रुके हुए थे। कल शनिवार के दिन मृतका चंदाबाई भोजन पका रही थी, तभी पानी भरने के लिए खेत पर बने कुएं पर गई। बगैर मुंडेर के कुएं से पानी भरने के दौरान वह फिसल गई। परिवार के लोगों ने ही उसे पानी से निकाला। रात 8 बजे थाना पंधाना पुलिस को सूचना दी। परिवार के पुना पिता गेंदा ने बताया कि चंदाबाई की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी 2 माह पहले ही मायके से ससुराल लेकर आए थे। अचानक कुएं पर गई और पानी भरने के दौरान गिर पड़ी। इधर परिवार के लोगों का पानी से सब निकालते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बालों को खींचकर मृतका को निकाला गया। जनपद नई गढ़ी क्षेत्रवासी ग्राम वासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी पूजनीय जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें। आपकी खुशी, आपका सुख ही हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प है। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतलाव विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति।